हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टेट रिव्यू। राम सेतु का ट्रेलर देखा मैंने और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली एंजॉयड द ट्रेलर। यार देखो, बॉलीवुड में ना बहुत कम मूवीज बनी है जो होती है एडवेंचर, फैंटेसी और माइथोलॉजिकल, तीनों चीज़ें एक साथ जिसमें मिल जाए यार तो कितना ही मजा आ जाए। और बहुत कम मूवीज बनी है, आई थिंक सो ये पहली मूवी होने वाली जिसमें हमें तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलेगी। जो एडवेंचर देखने को मिल रहा है, जो एक एडवेंचरस राइड होगी पूरी मूवी में, वहाँ में मुझे लिटरली, मैं कह रहा हूँ, बोर तो करने नहीं देगी कहीं पर भी। और साथ में यार मजा आया देख के ट्रेलर, मतलब हर एक शॉट अच्छा था, VFX आता था। हाँ, बस वो जो लास्ट में जो रोबोट वाला जो सूट पहनते हैं, जो भी सूट पहनते हैं, वो जो स्विंग वाला, वो यार वो सूट ना थोड़ा सा VFX में गड़बड़ लग रहा था। पर और चीज़ें जितनी दिखाई गई हैं, राम सेतु दिखाया गया, उसके नीचे की जो पूरे वो दुनिया दिखाई गई है, जो लास्ट का सीन था यार जिसमें वो मतलब अक्षय कुमार पत्थर लेके, गोल्डन पत्थर जो होता है, अब मुझे नहीं पता माइथोलॉजी में उसका क्या मतलब है यार, वो तो हमें मूवी में देख के पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। वो सीन देख के मज़ा आ गया यार, और लिटरली मन से निकल रहा था जय श्री राम, लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे पानी में चल रहे थे और ऐसे हाथ में पत्थर था, मज़ा आ गया उसको देख के। मैं तो यार इस ट्रेलर को 4 out of 5 star देना चाहूँगा, सब कुछ मज़ेदार था। हाँ, पर एक ही चीज़ है यार, रिक्वेस्ट है फिर से यार बॉलीवुड वालों से, यार हिंदू सेंटीमेंट को दुख मत पहुँचाना मूवी में, कुछ ऐसी बात मत कर देना कि हिंदू सेंटीमेंट को दुख पहुँचे। यार हिंदू जो हिंदू को मानते, जो हिंदुइज़म को मानते, जो राम जी को मानते, उनको कुछ दुख लगे। यार एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें एक डायलॉग है कि राम मंदिर तो बहुत सारे हैं पर राम सेतु एक ही है। यार वो डायलॉग, मतलब मुझे पता कि मैंने ज़्यादा अच्छी तरह नहीं बोला, पर मूवी में वो जो अक्षय कुमार बोलते हैं, मज़ा आ जाता है उसको देख के। यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ट्रेलर, आपको कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जो बताना। और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।